चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस लिया। यह असहयोग आंदोलन जो था 1922 से लेकर के फरवरी 1900 सितंबर 1920 से लेकर फरवरी 1922 तक चला था, ठीक ना। और इसके बारे में बता दें, इस चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इस कांड में 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। खिलाफत आंदोलन, यह भारत में मार्च 1919 से लेकर के जनवरी 1921 तक चला था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह 12 मार्च 1930 को मतलब चला था, यह स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला है भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी 9 अगस्त, ये हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ठीक ना। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीन कटिया प्रणाली इन किन पर लागू हुई थी, ठीक ना। यहाँ पे त्रुटि हो गया, किन पर लागू हुई थी, तो यह बता दें किसानों पर लागू हुई थी। क्वेश्चन है, किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो बता दें कि गांधी यूरेन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। यह बता दें पाँच मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड यूरेन के बीच समझौता हुआ, जिस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन लघुतरिया में पूछता है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1931 को लॉर्ड यूरेन और गांधी जी के बीच जो समझौता हुआ उसे दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1909 के अधिवेशन के दौरान मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, चौरी चौरा वर्तमान के भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक ना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले, किस जिले में? तो गोरखपुर जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा M.N. राय ने। इनका पूरा नाम था मान वीरेंद्रनाथ राय, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ दी गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बरदोली। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 1932 में पुणे समझौता किसके बीच हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच जो समझौता हुआ था उसे पुणे समझौता कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ देता है तो इसको कैसे लिखेंगे? 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ उसे पुणे समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो साइमन कमीशन बता दें सबसे 1928 ईस्वी में भारत आया, वो भी मुंबई में जब आया तो इसे काला झंडा दिखा करके इसका स्वागत किया गया, और उसको गो बैक साइमन के नारे लगा करके इसको वहीं से साइमन को वापस भेज दिया गया। जिसका और इसका बता दें कि साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था 1927 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना। और इसमें हर एक अंग्रेज ही अधिकारी थे, मतलब इस गठन में 7 अधिकारी जो थे सारे के सारे अंग्रेज ही थे, ठीक ना। इस वजह से इसका विरोध किया गया, और जब साइमन 1928 ईस्वी में आया भारत तो इसको साइमन गो बैक नारे लगा करके इसको वापस भेज दिया गया, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने अपना राजनीति गुरु किसे मानते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीति गुरु मानते थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ठीक ना। असहयोग आंदोलन के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि सितंबर 1920 में स्टार्ट हुआ था और फरवरी 1922 तक चला था। अगला जो प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था, जो कि 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान हुआ था, ठीक ना।
लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, यह इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, तुर्की में समाप्त किया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1924 में तुर्की में। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को यह आरंभ की थी और यह यात्रा 24 दिनों तक चली थी, यानी 6 अप्रैल 1930 को यह समाप्त हो गई और समाप्त हुई थी। ठीक ना, और इसी यात्रा के बाद नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन, रामपा विद्रोह कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में रामपा विद्रोह हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1935 में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक ना, 1935 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, और ये बता दे कब हुआ था, तो 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बरदोली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केवी हेडगेवार ने 1935 में की थी। ठीक ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग्स ने 1911 में बंगाल विभाजन रद्द की थी। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1912 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1920 में तुर्की के शासक के विरोध में हुआ था। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दांडी को। स्थापना किस वर्ष हुई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रॉलेक्ट एक्ट कानून का उद्देश्य से बना था, तो रॉलेक्ट एक्ट जो कानून था किस उद्देश्य से बना था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इस कानून को बनाया गया था। ठीक ना, तो अगले 30 नंबर जो प्रश्न, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 ईस्वी में वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली जो थे हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। ठीक ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी नागरिकों को वियतनाम में कोलोन कहा जाता था। ठीक ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, यहाँ पर हिंदी नहीं है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को कंबोडिया वियतनाम लाओस, हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। ठीक ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को हम क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। ठीक ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हुआ हुआ आंदोलन था के नेता कौन थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, हुइन फुसो। ठीक ना, हुआ हुआ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 नंबर जो क्वेश्चन है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरोत्तम शिहानु कहाँ के शासक थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर जो क्वेश्चन, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1975, जो कि ऑप्शन को में दिया हुआ है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, होशीमिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का पथ प्रदर्शक, होशीमिन का शाब्दिक अर्थ होता है, शब्द का अर्थ होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछता रहता है। अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा जिनेवा समझौता, क्वेश्चन नंबर 12, जिनेवा समझौता कब हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो 1954 ईस्वी में जिनेवा समझौता हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना करने का उद्देश्य था पश्चिमी शिक्षा को देना, ठीक ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में, मी दल की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनगुएन आई ने अनामी दल की स्थापना की थी। और 15 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा होचीमिन, कौन थे? होचीमिन, यानी ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी जो 16 नंबर क्वेश्चन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, माइली गांव की घटना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पे डबल स्टार लगा लीजिए और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक ना। माइली गांव की घटना दक्षिणी वियतनाम में हुई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फान वोई चाउ ने इस बुक को लिखा था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, होचीमिन, ठीक। होचीमिन वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापक थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन, लियोंग किचाओ कौन था? तो यह एक चीनी सुधारक था, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, इंडो चाइना किस देश का उपनिषद था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इंडो चाइना किस देश का उपनिषद था? फ्रांस का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता रहता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1887, यानी ऑप्शन घ, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, पहली टेलीविजन युद्ध किससे कहा गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, वियतनामी युद्ध को पहला टेलीविजन युद्ध कहा गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंचिन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे, कौन थे? निक्सन। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कॉलर्स रिवॉल्ट कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, वियतनाम की जनता कि सबसे महान नेता कौन था? वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा होचीमिन। होचीमिन जो थे वियतनाम के सबसे महान नेता थे। ये खंड अ का प्रश्न हम देखते हैं, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न होगा, हिंद चीन में कौन से राष्ट्र शामिल नहीं है? तो हिंद चीन राष्ट्र में शामिल है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, चीन शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1815।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1913 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोपीय यंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिंहासन किस देश का शासक थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि वाष्पचलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1907, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन। और अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा FD रूजवेल्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1871। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1991 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, नई आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है वो हो जाएगा बैंकिंग। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और शमेल किस उद्योग के केंद्र हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन एवं स्टील। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय का आशय होता है औसत आय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1992। ठीक है, अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। ठीक ना, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादनों एवं साधनों की आय। ठीक ना, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो वो हो जाएगा हमारा दीर्घकालीन ऋण। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है तो कृष्णा से। ठीक ना, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो है आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, केबल एवं टूट जाना, केबल का टूट जाना। ठीक है, बाढ़ क्षति पहुंचाता है। तो बाढ़ क्षति देखिए फसलों को भी पहुंचाता है, पशुओं को भी, भवनों को और उपरोक्त सभी को। तो इसको जो दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक ना, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सड़क मार्गों से। ठीक ना, अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए गांव से बाहर खेतों में, उच्च भूमि पर या कहीं नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उच्च भूमि पर। निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीति दल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जनता दल यूनाइटेड।
अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो केंद्र सरकार, जिला परिषद या राज्य सरकार या राज्य चुनाव आयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य चुनाव आयोग। भारत में किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो वो है राजस्थान, जहाँ से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। उत्तर, भारतीय राजनीति के किस वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देश में अतिरिक्त आपातकालीन लागू हुआ था, ठीक ना। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक। अगला प्रश्न है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य समुदाय कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना, ठीक ना। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, भारत के इन राज्यों में कौन कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो झारखंड है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलते हैं अगला प्रश्न, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी घाटी परियोजना। चलिए अगला प्रश्न है, सुंदर वन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। 41वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विद्युत। पूर्व मध्य रेल की मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, चावल क्या है? चावल एक खरीफ फसल है, कौन सी फसल है? खरीफ फसल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सेल, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 46 नंबर, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वक्साइड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेत क्रांति, ठीक ना। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, लीची के उत्पाद के लिए बिहार में के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बचत। इनमें से कौन सा व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, अधिविकर्ष, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, पूंजी बाजार में किस प्रकार का ऋण का लेन देन होता है? तो ऑप्शन है अल्पकाल, दीर्घकाल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकाल, ठीक है। हाँ,
उसने कहा, ग्राहक हमारी दुकान में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक ना। इनमें से कौन गैर आधारभूत संरचना का घटक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते। इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, गोंडवाना समूह में कोयला का निर्माण कब हुआ? तो इस क्वेश्चन, गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख वर्ष पूर्व, ठीक ना। हमारा निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो हम पीछे भी देख चुके हैं, चावल जो है खरीफ फसल होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। ठीक है, कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला प्रश्न है हमारा, इंग्लैंड में मुद्रा कला का शुरुआत किसने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैक्सटन। क्या? कैक्सटन ने, ठीक ना। 61 नंबर प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फरवरी क्रांति। कौन सा? फरवरी क्रांति। लाल सेना का गठन किसने किया था? सबसे अच्छा क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकी, ठीक ना। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1906। तत्श्री हरमंदर जी साहिबा कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पटना। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1857, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को बिहार दिवस। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सोनपुर में जो मेला लगता है। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी की मकबरा है। फ्लाइंग शटल मशीन की आविष्कार किसने की थी? फ्लाइंग शटल मशीन की आविष्कार किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जॉन के ने। किसने? जॉन के ने, ठीक है। अगला, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है हमारा 72 नंबर, सेडान युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1870, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, हीगेल कौन था? बताइए हीगेल कौन था? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, दार्शनिक था। हीगेल एक दार्शनिक।
मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हनोई समझौता। किसका? हनोई समझौता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1905। अगला प्रश्न है, किसी भूकंपीय तरंग की गहनता मापने के लिए सबसे कम होती है। किसी भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एस तरंग। कौन सा तरंग? एस तरंग। अगला प्रश्न है हमारा, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो 97%। चलिए, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में स्थित है? तो 97%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पुनपुन नदी। कौन सा? पुनपुन। गेहूं फसल है, गेहूं एक रबी फसल है। कौन सा फसल है? गेहूं रबी फसल। बलवंत राय मेहनता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हेटारिया, डायट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। प्रश्न नंबर दो है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली, प्रसा, ऑस्ट्रिया, यूनान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसा। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस को, तुर्की को, इटली को, जर्मनी को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तुर्की को, यूरोप का मरीज कहा जाता है। हंगरी की भाषा क्या थी? इतावली थी या मंग्यार या फ्रेंच या पोलिश? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मंग्यार। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेपोलियन ने जर्मनी की किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेंडेंट संघ, साइफेन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग, राइन संघ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सोडेवा का युद्ध या प्रसा डेनमार्क का युद्ध या सीडान का युद्ध? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीडान के युद्ध में के बाद ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। बिस्मार्क क्या था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। इस पे लगा दीजिए आप VVI, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछेगा। और बताइए बिस्मार्क क्या था? कवि था या नाटककार था, संगीतज्ञ था या कूटनीतिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा कूटनीतिक। बिस्मार्क एक कूटनीतिक था। मेटर्निक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया या जर्मनी या इटली या प्रसा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटर्निक। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में या 1820 ईस्वी में या 1818 ईस्वी में या 1848 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी?
1810 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में या 1848 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी में कार्बोनारी की स्थापना हुई थी। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रजातंत्र शासन या निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र या मनसपादरी प्रथा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा निरंकुश शासन। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था कि वहाँ का निरंकुश शासक था, निरंकुश शासन। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने, कावूर ने, बिस्मार्क ने, गैरिबाल्डी ने? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेजनी ने। मेजनी जो था यंग यूरोप और यंग इटली का स्थापना किया था 1831 में यंग यूरोप और 1834 में यंग इटली की स्थापना मेजनी द्वारा की गई थी। अब अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने या गैरिबाल्डी ने? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। अगला प्रश्न, काबूर कौन था? मेजनी का राजा था या इटली का प्रधानमंत्री था या इटली का राजा था या जर्मनी का मंत्री था? इटली का प्रधानमंत्री था, काबूर जो था इटली का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1890 या 1848 या 1871 या 1870? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1688 में, 1707 में, 1788 में या 1807 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का या रूस का? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान की या तुर्की की या रूस की या फ्रांस की? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तुर्की की पराजय हुई थी यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान, सेडाओ, साई राइन, फ्रैंकफर्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेडान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड था या रूस था या ऑस्ट्रिया था या प्रशा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864, 1866 या 1870 या 1871? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां या नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? रूस, यूनान, ब्रिटेन, पोलैंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी वीवीआई लगा लीजिए, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुका है। गैरिबाल्डी पेशे का क्या था? सिपाही था या किसान था या जमींदार था या नाविक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाविक। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि या गेस्ट्रीन की संधि या प्रांग की संधि या फ्रैंकफर्ट की संधि? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला प्रश्न है,
किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रसा और डेनमार्क का युद्ध, सीडान का युद्ध। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीडान का युद्ध। सीडान के युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, सीडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की, प्रसा की, नेपल्स की या सीडिया की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की। काउंट काबुर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो सेनापति या फ्रांस के राजपूत या प्रधानमंत्री या राजगिरी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाई जाती है। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग, लेनिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1883, 8 वर्ष हुआ था। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने किया था। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ख, जर्मनी। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ है रूस्ट का सम्राट, रूस का राजा। शासन का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासक का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा। वर्स एंड पीस किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूरोपियन समाजवादी कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग, कार्ल मार्क्स। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेठ साइमन, जो था फ्रांसीसी समाजवाद का जन्मदाता था। की संधि किन देशों के बीच हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। चीका क्या था? पुलिस दस्ता था। चीका एक पुलिस दस्ता था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ख, 1864। इंग्लैंड में समाजवाद के जनक किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग, रॉबर्ट ओवन। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क, कार्ल मार्क्स और एंग्लेंस ने दास कैपिटल की रचना की थी। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ, जर्मनी, इंग्लैंड या फ्रांस? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क, सोवियत संघ को मिला। नंबर 23 है, रास्पुटीन कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ख, पृष्ठ पदाधिकारी था।
साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1848। विश्व में समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रूस। निहिलिस्ट आंदोलन कहां शुरू हुआ था? निहिलिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? तो ये भी रूस में ही हुआ था। रूस में अदास्तव का उन्मूलन कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क 1861 में। रूस में कृषि दास्ता किसने समाप्त की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महानगरों में, यानी शहरों में सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, दो नंबर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था, ठीक ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में हर बार पूछता रहता है। प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग जो था एक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में बाहर आया था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1870 ईस्वी में लंदन जो था अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू किया था, ठीक ना। पांचवा नंबर क्वेश्चन है और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन, यहाँ पे क्या होगा, गहन रूप से प्रभावित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शहरीकरण के रूप, किससे, शहरीकरण से। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? तो शहरीकरण से, ठीक है, ऑप्शन ख इसका उत्तर हो जाएगा। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ख 1863 ईस्वी में आरंभ हुई थी भूमिगत रेल। सातवां नंबर जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मुंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1819, यानी ऑप्शन घ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आठवें नंबर प्रश्न को देखते हैं और एक एग्जाम में बार बार पूछता रहता है, चार्टिस्ट आंदोलन, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब का आरंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1838, यानी ख इसका, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1965 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 10 नंबर जो प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 1786 ईस्वी में पटना के गोलघर का निर्माण हुआ था, ठीक ना। और 11 नंबर जो प्रश्न है, समझौता आंदोलन किस महानगर से चलाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का लंदन से, लंदन में चलाया गया था समझौता आंदोलन, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 गलत टाइप हो जाने के कारण इससे हटा दिया गया, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? तो ये भी क्वेश्चन है जो बार बार पूछता रहता है, तो उदयीन के समय पाटलिपुत्र जो था मगध की राजधानी था, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 40 लाख। ये क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है, ये सभी इसमें के जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने नोटबुक में नोट जरूर करेंगे। और 15 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ, ठीक ना।
आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के उपरांत यानी बाद से आधुनिक नगरों का विकास हुआ था। ठीक है, 16 नंबर जो प्रश्न है, मुंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 1998 ईस्वी में मुंबई में किराया कानून लागू किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उपनिवेशिक भारत की वाणिज्य राजधानी कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बम्बई, जो कि आज के मुंबई के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसे जमाव संभव हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति के से जमा हुआ। ठीक है ना, 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, गाइडेंस सिटी योजना किसने बनाई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग एवेंजर हार्वर्ड ने। ठीक, अगला जो प्रश्न है, 20 नंबर जो प्रश्न है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति की बढ़ोतरी हुई, यानी प्रवृत्ति बढ़ी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द विटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग एंड्रयू मिनस। ठीक ना, तो एंड्रयू मिनस जो थे द विटर आई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे। एकीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ, जिसे हम मंदी के भी नाम से जानते हैं, मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1929 को विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो था मंदी आरंभ हुआ था, मतलब शुरू हुआ था। तीसरा नंबर जो प्रश्न है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो वस्त्र उद्योग था। क्या था? वस्त्र उद्योग। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछता रहता है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय आरंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 18वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, पांचवा नंबर प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग फासीवादी निजीवादी शासन प्रणाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में कॉर्न लॉ पारित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अल्लू अकाल किस देश में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड में अल्लू अकाल हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितनी गुनी वृद्धि हो चुकी थी? तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का 25 से 40 गुना वृद्धि हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के बाद बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, गिरमिटिया किसे कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क अनुबंधिक मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता था। अगला जो प्रश्न है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाल सागर। किस सागर के? लाल सागर। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, रेशम मार्ग
कहाँ से आरंभ होता था, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, तो चीन से रेशम मार्ग आरंभ होता था। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्डलीफ जो थे द कॉमर्स ऑफ नेशन के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का 1932 में। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग से प्राचीन काल में एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था। एशिया और यूरोप के बीच का व्यापार किस मार्ग से होता था, तो रेशम मार्ग से। अगला जो प्रश्न है देखेंगे, अगला प्रश्न है क्रिमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का पश्चिमी क्षेत्र। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता रहता है और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन इस बार आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, 1930 में विश्व को पूरी, क्वेश्चन शायद गलत टाइप हो गया है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है, तो अमेरिकी मुद्रा का नाम है डॉलर। 24 नंबर है, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई है, तो वो है पंजाब में। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई है, तो पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 25 है, जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को किस सम्मेलन में कम कर दिया गया, जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को किस सम्मेलन में कम कर दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का ब्रुसेल्स सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि जो थी उसको कम कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर छब्बीस है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील को लागू किया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फैक्लिन डी जेरवेल्ट ने न्यू डील लागू की थी। किसने लागू की थी, न्यू डील। आपके ऑप्शन में कभी कभी जेरवेल्ट ही पूछ देता है, तो आपको इनका पूरा नाम याद रहेगा, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा, तो वो था रूस, जिस पर थोड़ा भी आर्थिक मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक नीति सम्मेलन किस वर्ष हुई थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1944 में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक नीति सम्मेलन हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन है, बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का अमेरिका में बृहद उत्पादन व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली बड़ी क्रांति कौन सी थी, तो वो थी औद्योगिक क्रांति। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। एक वीडियो को बनाने में, पीडीएफ तैयार करने में बहुत समय लगता है।